कैसी गुजरी आपकी ईद? पहले तो ईद मुबारक आपको। आपको भी बहुत मुबारक। ईद बड़ी अच्छी गुजरी, बड़े टाइम के बाद फैमिली के साथ ईद स्पेंड करने का मौका मिला। नॉर्मली आपको पता है CPL ड्यूरिंग रमज़ान होती थी, तो पिछले 3-4 साल से मेरी ईद स्पेशली ये जो ईद उल फितर है ये बाहर गुजरती थी। उससे पिछले 2 साल मुझे याद है 12-13 में श्रीलंकन लीग, मतलब मेरे 5-6 साल लगातार जो है वो ईद बाहर गुजरी। तो इस दफ़ा ईद घर वालों के साथ गुजारने का और ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद ईद घर वालों के साथ गुजारी। एक दो बार मिसेज साथ थी, कई दफ़ा ये भी हुआ कि मिसेज भी साथ नहीं थी, तो अकेले ईद गुजारी। तो वो आपको पता है, आपने भी कई दफ़ा, आपको भी ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिली होंगी जब ईद आपने मुल्क से बाहर गुजारी हो। स्पेशली अगर आप बात करें वेस्ट इंडीज़ में, वहाँ पे आपको इतने एशियन मिलते नहीं, तो वहाँ पे ईद का इतना कॉन्सेप्ट है नहीं। तो वो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा वो कोई चीज़ काफ़ी टाइम के बाद जब मिलती है ना, तो उसका मज़ा और ज़्यादा आता है। घर वालों पे आपका बहुत ज़्यादा फोकस है, अच्छी बात है, घर वालों के साथ गुजारना चाहिए, लेकिन घर वाली के साथ ईद गुजार के कैसा लगा? वही मैं कह रहा हूँ कि बीच में ये जो 6 साल हुए, इसमें एक दो बार तो ऐसा हुआ कि CPL में मेरे साथ थी, मेरी फैमिली साथ थी, बच्चे साथ थे, बट 4-5 बार ऐसा भी हुआ कि मैं सिर्फ अकेला था। तो ज़ाहिर है वो फैमिली इकट्ठी होती है, हमारा क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम है, अम्मी अब्बू और भाई सारे इकट्ठे होते हैं, मिसेज़ भी साथ ही हैं, तो और ज़्यादा मज़ा आता है जब आप इस तरह का ओकेजन होता है और आप सारे एज ए फैमिली उसको सेलिब्रेट करते हो, तो बहुत मज़ा आता है। भाभी आपको खुश आमदीद कहेंगे शो में, और आई थिंक ये फर्स्ट अपेयरेंस है आपकी किसी भी टेलीविजन शो में सोहेल के साथ, थैंक यू वेरी मच। ये जानना चाहूँगा आपसे कि आपकी ईद कैसी गुजरी इस बार सोहेल आपके साथ थे, और ख़ास तौर पर घर पर। हाँ, ख़ास तौर पे घर पे, एक्चुअली मेरा दूसरा बेटा भी पैदा हुआ है, तो ज़्यादा स्पेशल है, वो भी है साथ, और फैमिली के साथ ईद है, तो अच्छा लग रहा है। वैसे सोहेल रोज़े वगैरह रखते हैं या नहीं? रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह भाई। सिर्फ हाँ ये है कि जब मैचेस होते हैं, जब स्पेशली डे मैचेस अगर हों, अब तो T20 क्रिकेट भी वो नाइट में चली गया, तो उसमें भी आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप रोज़ा रख के तो इफ्तार करके तो खेल सकते हैं, बट जब रोज़ा हो, अगर दिन का मैच हो, तो फिर झूठ नहीं बोलूँगा, मुश्किल होता है। बीइंग अ फास्ट बॉलर बड़ा मुश्किल होता है। कुछ हैं जो माशाल्लाह अल्लाह ताला जिनको तौफीक देता है, जो कि हाशिम भाई की मिसाल मैं दूंगा कि वो रोज़ा रख के भी क्रिकेट खेलते हैं। मुझसे शायद इतना वो सब्र नहीं होता, बट अगर मैच नहीं हो तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से आदत है कि रोज़ा कभी नहीं छोड़ा और ना मैं छोड़ता हूँ। स्पेशल ओकेजन है भाभी आपके लिए कि सोहेल इस बार आपके साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान में ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये बताएँ कि खर्चा करने में कैसे हैं सोहेल, इस बार आपने कितना खर्चा कराया? खर्चा तो होता ही है, जाहिर शादी हो जाए आपकी, बच्चे हो भाई, तो अब वो जमाना गया कि बीवियां पूछती हैं। हाँ, बस कार्ड, क्रेडिट कार्ड है आपके पास, अपनी मर्जी से करती हैं, करने के बाद बताती हैं कि भाई तो हमने ये ईद को कैसा लिया। सोहेल आप क्या समझते हैं कि ज़्यादा ईद बाहर अच्छी होती है बेगम के साथ या पाकिस्तान में? नहीं नहीं, घर में मैं हमेशा से ईद, क्योंकि आपको बेसिकली आप माहौल के हवाले से बात करूँ, हिसाब उधर ही चला जाता है, या भाई वहाँ पे डॉलर लगते हैं, यहाँ रुपए लगते हैं, लेकिन जब आप कन्वर्जन करते हैं तो ऑलमोस्ट वहीं पे काम चला जाता है। लेकिन चले लाइटर नोट पे तो ये बात होगी, बट जो माहौल होता है वो बेसिकली किसी भी त्यौहार को माहौल जो है वो बनाता है, तो बाहर इस तरह का माहौल नहीं होता। अगर आप चले भी जाएँ वहाँ पर, मुस्लिम कम्यूनिटी हो भी, तो आपने देखा होगा कि ईद के दिन पर भी लोग बेचारे जॉब कर रहे होते हैं, कुछ ने जॉब पर जाना होता है, छुट्टी नहीं होती, तो वहाँ पे ईद पड़ गया तो लोग अपने अपने कामों को चले जाते हैं, तो वो माहौल नहीं बनता। यहाँ पे ईद जो है आपको पता है, स्पेशली जो ये रोज़ों वाली ईद है, इसमें तो हफ्ता पहले ईद की वो तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं, तो वो माहौल आप इंजॉय करते हो। ईद तो एक दिन होता है, वो आता है चला जाता है, लेकिन उससे पहले मेरे ख्याल में जो हफ्ता 10 दिन होते हैं, जो एक बिल्डअप होता है ईद का कि जी ईद आ रही है, ईद आ रही है, जो बच्चों में आप गहमा गहमी देखते हो, तो वो चीज़ आप इंजॉय करते हो। वो चीज़ मैं बड़े अरसे से मिस कर रहा था, और इस दफ़ा चलें अल्लाह ने अपॉर्चुनिटी दी तो इंजॉय किया उसको, एक एक लम्हे को इंजॉय। पिंडी में आप लोग रहते हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, और आपका घर जो है वो बन रहा है अभी लाहौर में, और होप कि आप ईद के बाद जो है वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन सोहेल खर्चा करने में कैसे हैं फैमिली के अलावा आपके लिए खास तौर पर? आप कुछ डिमांड करती हैं फ़ौरन पूरी करते हैं या नहीं? हाँ, फ्री हैंड है, कार्ड होता है मेरे पास। नहीं नहीं, आप बस कार्ड था कि ये सोहेल को आपने रखा हुआ, लिफ्ट नहीं कराती आप? भाई मैंने आपको बता बताती दिया जरूर हूं, पैसा होने के बाद बताती हैं कि जी जी हमने इतना खर्चा कर लिया। मैसेज आ जाता होगा ना? हाँ,
बस बाकी कोई लिफ्ट नहीं है, तो वो आप सोचे भी मत कि जी हमसे कोई परमिशन लेंगे कि जी मैंने ये चीज़ लेनी है। और मेरे ख्याल में इनका भी फैमिली का हक बनता है। मैं इस मामले में कभी भी मैंने रोक टोक नहीं की, जायज़ जो ज़रूरियात होती हैं वो ज़रूर हम पे शरण भी वो लागू हैं कि शरण भी दीन में, दीन भी यही कहता है कि आपने ज़ाहिर अपनी फैमिली की ज़रूरियात पूरी करनी है, और जब आपने आपको अल्लाह ताला ने दिया हो तो बेजा सर्फ नहीं करना चाहिए, इसराफ में नहीं आना चाहिए, लेकिन जो ज़रूरियात हैं वो ज़रूर पूरी करनी चाहिए। अभी वैसे पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलते हुए तो सोहेल को 10 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन ये जो आपकी सोहेल के साथ इनिंग है ये 6 साल तक जा चुकी है। कोमल खान से 7 साल, कोमल खान से कोमल सोहेल तक का सफ़र बहुत अच्छा था सच बताना दो से तीन हुए, 3 से 4, अल्हम्दुलिल्लाह।